अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिजिटल कंप्यूटर जो है उसमें डिजिटल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के लिहाज से, जो कि आपका होने जा रहा है बसेस एंड इस टाइप्स। तो देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया गया है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। मैं हूँ हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उनके साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम क्विजेस और कंप्लीट नोट्स भी www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 बसेस एंड इस टाइप्स। बसेस क्या होती हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। कंप्यूटर बसेस क्या हैं और उसकी टाइप्स में एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है और कंट्रोल बस जो है वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज कंप्यूटर बसेस। तो कंप्यूटर बसेस क्या है, कंप्यूटर बसेस आर पाथवेज और कम्युनिकेशन चैनल और वायर्स दैट अलाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डेटा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो बसेस होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है या जिसको आप वायर्स का नाम भी देते हैं, ठीक है, दैट अलाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं कि ये जो वायर्स हैं या जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं या जो ये पाथवे का जिसको आप नाम दे रहे हैं, ये वायर्स क्या कर रहे होते हैं, ये जो कंप्यूटर सिस्टम में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करवा रहे हैं, जो डेटा को एक्सचेंज करवा रहे हैं, वो तमाम जो है वो इन बसेस के जरिए ही, इन वायर्स के जरिए ही एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बसेस यानी एक ऐसा रास्ता होते हैं जहां से आप डेटा को या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। नंबर 2 है दे सर्व एज अ मीन्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स इनेबलिंग देम टू वर्क टुगेदर सीमलेसली। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें, ये जो है ना, यानी एक कनेक्शन का काम कर रहे होते हैं, यानी जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में इनपुट आउटपुट हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, या जो आपके सिस्टम्स के अंदर मदरबोर्ड्स में जो हार्डवेयर्स कनेक्ट हुए हैं उनके दरमियान में जो डेटा कम्युनिकेशन हो रही है उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे होते हैं, बसेस का यूज कर रहे होते हैं। ओके, इस डायग्राम में आप यहाँ पर अगर देखें तो ये एक मदरबोर्ड की एक डायग्राम दिखाई गई है, एक सर्किट की डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये देखें, ये जो यहाँ पर आपको ये वाली लाइंस नजर आ रही हैं, ये लाइन जा रही है, ठीक है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, इसी तरह से एक ये लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, ये 6 7 8, ठीक है। तो ये क्या कहलाती हैं, ये सारी बसेस कहलाती हैं, यानी ये क्या है, ये ऐसे वायर्स हैं, ये ऐसे कनेक्शन हैं जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, बसेस बोलते हैं, ठीक है। और एक लाइन जो है वो एक सिंगल बिट के डेटा को जो है वो ट्रांसफर करने के लिए यूज की जा रही होती है। तो जितनी वायर्स लगी होंगी, यानी कि ये 1 वायर, ये 2 वायर, तो ये 2 बिट डेटा को ट्रांसफर कर रही होंगी, ये 1 बिट डेटा, ये 2 बिट डेटा, ये 3 बिट, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, तो ये 8 बिट डेटा को जो है वो एक ही वक्त में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इसको जो है वो आप बसेस का नाम देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं कि इनकी टाइप्स की अगर हम बात करते हैं कि 3 टाइप्स इसमें आपको देखने को मिल जाती है। नंबर 1 पर है एड्रेस बस, नंबर 2 है डेटा बस और नंबर 3 पर है कंट्रोल बस। ओके, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि एड्रेस बस क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें एड्रेस बस क्या है, एंड एड्रेस बस कैरीज एड्रेस इंफॉर्मेशन। अब क्या होता है कि जो भी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी वो ले जाने का काम कौन कर रही होती है, एड्रेस बस कर रही होती है, ठीक है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि एड्रेस बस जो है
वो आपकी एड्रेस जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ले जाने के लिए एड्रेस बस का यूज किया जाता है। इट इज अ सेट ऑफ वायर्स, ये भी एक सेट ऑफ वायर्स ही कहलाता है, सिमिलर टू द डेटा बस, जो कि डेटा बस की तरह से एक जैसा होता है, ठीक है, बट इट कैन ओनली कनेक्ट सीपीयू एंड मेमोरी, लेकिन इसको सिर्फ सीपीयू से या मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस और स्टोर डेटा एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखें एक एक वर्डिंग से आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जब इनको पेपर्स में इनके आंसर कर रहे हो तो आपको पता चल जाए कि ये इसमें क्या समझाया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि जब सीपीयू को जरूरत पड़ती है कोई भी डेटा को स्टोर करने की, ठीक है, एक्सेस करने की एक खास जगह पर किसी भी मेमोरी में, ठीक है, या अगर उसको कम्युनिकेशन करना होता है किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, तो वो क्या करती है, इट सेंड्स द करेस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस। तो वो क्या करती है कि वो जो है उसका मेमोरी एड्रेस जो है वो सेंड कर देती है या इनपुट आउटपुट एड्रेस सेंड कर देती है। किसकी मदद से सेंड करती है, एड्रेस बस की मदद से सेंड करती है, ठीक है। जब सीपीयू को कोई भी डेटा को स्टोर करने की एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है मेमोरी लोकेशन में से, ठीक है, तो वो क्या करती है, मिसाल के तौर पर आप सीपीयू में से मेमोरी में से जो है वो सीपीयू को कोई डेटा चाहिए जो कि उसके मेमोरी के एड्रेस नंबर 0122 पर पड़ा हुआ है, तो ये एड्रेस बस क्या करेगी, उस मेमोरी एड्रेस में से जाके, यानी जो उस एड्रेस पर डेटा पड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए यूज किया जाएगा। यानी एड्रेस बस क्या कर रही होगी, उस मेमोरी लोकेशन में से उस एड्रेस पर जो डेटा पड़ा होगा उसको एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एड्रेस बस की जरूरत पड़ेगी। उस एड्रेस बस की मदद से जो है वो आप डेटा को एक्सेस करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि व्हेन द सीपीयू, जब सीपीयू को जरूरत पड़ती है एक्सेस करने की या डेटा को स्टोर करवाने की किसी भी एक खास लोकेशन पर मेमोरी में, ठीक है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जब कम्युनिकेशन करना होता है तो वो एक मेमोरी एड्रेस को क्या कर रहा होता है, सेंड कर रहा होता है। किसके जरिए कर रहा होता है, एड्रेस बस के जरिए सेंड कर रहा होता है। ओके, अब यहां पे देखें क्या कह रहे हैं, इफ अ कंप्यूटर हैज अ 16 बिट एड्रेस बस, कह रहे हैं कि अगर एक आपके पास कंप्यूटर है जो कि 16 बिट एड्रेस बस रखता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस देयर आर 16 लाइंस इन अ बस। जैसे मैंने आपको बताया था कि वन लाइन बनी है, टू लाइन है, थ्री लाइन है, तो इस तरह की 16 लाइंस होंगी एक बस के अंदर, ठीक है, 16 लाइंस होंगी जो कि 16 बिट डेटा को क्या कर रही होंगी, ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाएंगी, अलाउइंग द सीपीयू टू ट्रांसमिट अ 16 बिट बाइनरी एड्रेसेस, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी एड्रेस सेंड किया जाता है 0 और 1 की फॉर्म में, तो 16 बिट बाइनरी एड्रेस को सेंड करने के लिए आपके पास 16 लाइंस जो है वो एक बस के अंदर होनी जरूरी है। अब यहां पे क्या होता है, देखिए इन दिस केस द कंप्यूटर कैन एड्रेस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, तो अब आपके पास अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 65536 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस होंगी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो है वो यूज किया जाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाती है एड्रेस बस की, तो देखें द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इट कैरीज सिग्नल्स ओनली फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि सिग्नल्स को लेके जाएगी सिर्फ सीपीयू में, सीपीयू से मेमोरी में लेके जाएगी या फिर जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में लेके जाएगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में डेटा को मूव करवाने के लिए एड्रेस बस का जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको सीपीयू में से डेटा ट्रांसफर, सीपीयू में से आप कोई मेमोरी में से डेटा को एक्सेस करवा रहे हैं एड्रेस बस की मदद से, तो वो यूनिडायरेक्शनल होगी, लेकिन जब वही डेटा वापस किसी इनपुट डिवाइस में जाएगा तो वो डेटा बस की मदद से जा रहा होगा, एड्रेस बस की मदद से नहीं जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि डेटा को वन वे में एक डायरेक्शन में जो है उसको मूव करवाया जाता है। द सीपीयू यूजेस द एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा इट वॉन्ट्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए सीपीयू जो है वो यूज करती है इन एड्रेस बस को, ठीक है, क्यों यूज करती है कि जो सोर्स है या डेस्टिनेशन है उस डेटा की, ठीक है, वहां से डेटा को वो रीड कर सके या डेटा को जो है वो राइट करवा सके। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है डेटा बस। व्हाट इज डेटा बस, डेटा बस क्या होती है,
द मोस्ट कॉमन बस इज दी डेटा बस, सबसे आम डेटा बस की अगर बात की जाए तो वो डेटा बस ही कहलाती है। इसमें क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस और वायर्स दैट अलाउज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ बाइनरी डेटा। ये भी क्या कर रही होती है, इन्हें डेटा को ले जाने के लिए यूज की जाती है, ट्रांसमिशन करने के लिए यूज की जाती है बाइनरी डेटा को, जीरो की फॉर्म में हो या वो फिर वन की फॉर्म में हो, फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर, या एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट में, एक डिवाइस से, एक इनपुट डिवाइस से दूसरे इनपुट डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए डेटा बस का जो है वो यूज किया जाता है। डेटा बस इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ दैट कनेक्ट्स द सीपीयू। अब ये डेटा बस क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल पाथ होती है जो कि सीपीयू को आपके कनेक्ट करती है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या जितनी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, ठीक है, इसी तरह से आपकी एसएसडी आ जाती है, आपकी जो है वो सीडी रोम आ जाता है, यूएसबी ड्राइव है, यूएसबी आ जाती है, ये तमाम जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आ जाती हैं जहां पे डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। तो ये डेटा बस जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल पाथ होता है जो कि सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। द नंबर ऑफ लाइंस इन बस एफेक्ट्स द स्पीड एट विच द डेटा ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो उस डेटा को जो ट्रेवल आप करवा रहे हैं कंपोनेंट्स में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में, वो उसकी स्पीड पे जो है वो फर्क डाल रही होंगी, यानी कि जितनी लाइंस लगी होंगी उतनी ही स्पीड में डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होगा। द डेटा बस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पैरेलल लाइंस विच विथ ईच लाइन कैरिंग अ सिंगल बिट ऑफ डेटा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेटा बस में आपको जो है मल्टीपल पैरेलल लाइंस देखने को मिल जाती हैं, उसमें क्या होता है कि एक लाइन जो है वो एक सिंगल बिट ऑफ डेटा को ट्रांसफर कर रही होती है। तो जब मल्टीपल लाइंस लगी होंगी, मिसाल के तौर पर 4 लाइंस हैं, तो वो 4 बिट के डेटा को पैरेलल लाइंस में, यानी कि एक ही वक्त में जो है वो 4 बिट के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाएंगी। द विड्थ ऑफ द डेटा बस ऑफन रेफर टू एज इट्स डेटा विथ, यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एक डेटा बस की जो विथ होती है उसको आमतौर पर डेटा विथ के नाम से भी जाना जाता है या बस विथ के नाम से भी जाना जाता है। डेटा मीन्स द नंबर ऑफ लाइंस एंड द अमाउंट ऑफ डेटा डेट कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें इसका मतलब क्या है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना ही डेटा जो है वो एक ही वक्त में ट्रांसफर किया जाएगा। 8 बिट्स की एट लाइंस दी गई है, तो वो 8 बिट्स के जो डेटा है वो एक ही वक्त में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ 32 बिट डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 32 लाइंस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 32 बिट डेटा बस है तो वो कंसिस्ट करेगा 32 लाइंस पर, यानी कि 32 लाइंस, 1 लाइन जो है वो 1 बिट डेटा को ट्रांसफर करेगी और 32 बिट जो है वो 32 लाइंस में से डेटा को एक ही वक्त में ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाएगा, अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ 32 बिट्स, ठीक है। या अब 32 बिट्स की बात की जाए तो वो कितने बनते हैं, 4 बाइट्स बनते हैं, ठीक है, 4 बाइट्स, यानी कि एक बाइट के अंदर आपके पास 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 4 बाइट्स मिला के जो है वो 32 बिट्स जो है वो पैरेलल, यानी कि एक ही वक्त में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द सीपीयू नीड्स टू रीड और राइट डेटा फ्रॉम और टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन मेमोरी और एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर देखें सीपीयू में से कोई भी डेटा को रीड करना है या राइट करवाना है किसी भी एक खास जगह में से मेमोरी के या इनपुट डिवाइसेस में से, तो इट सेंड्स द अप्रोप्रिएट मेमोरी एड्रेस और इनपुट आउटपुट एड्रेस थ्रू द एड्रेस बस। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब किसी भी सीपीयू को डेटा को रीड करवाना है, राइट करवाना है मेमोरी में से किसी भी खास जगह में से, तो क्या होता है कि वो मेमोरी एड्रेस भेजा जाता है, किसके जरिए भेजा जाता है, एड्रेस बस की मदद से उस एड्रेस को जो है वो पिक किया जाता है। अब जब एड्रेस बस निकाल लिया जाता है फिर क्या होता है, द डेटा बस इज देन यूज टू ट्रांसफर द एक्चुअल डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी और डिवाइसेस एट द स्पेसिफाइड एड्रेस। अब क्या होगा कि जो एड्रेस निकाला है तो डेटा बस क्या करेगी, उस डेटा को उसकी एक्चुअल जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है।
अब डेटा बस को आप जो है वो बाय डायरेक्शनल भी कहते हैं। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि यानी ये बोथ डायरेक्शंस में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देखें, ड्यूरिंग अ रीड ऑपरेशन अगर आपको कोई डेटा को रीड करवाना है, डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमरी और डिवाइस टू द सीपीयू वाया द डेटा बस। ठीक है, डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा मेमरी में से या किसी भी डिवाइस में से, सीपीयू में से, डेटा बस की मदद से। और अगर कोई डेटा आप राइट ऑपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है, कोई राइट करवाना चाहते हैं, तो डेटा को सेंड किया जाएगा सीपीयू में से कहां पर, मेमोरी में से, सीपीयू में से मेमोरी पे सेंड करेंगे या किसी भी डिवाइस पर सेंड करेंगे, किसकी मदद से, डेटा बस की मदद से। तो डेटा बस जो है वो रीड ऑपरेशन के लिए भी यूज की जा रही होती है, राइट ऑपरेशन के लिए भी यूज की जा रही होती है, इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या है? द कंट्रोल बस इज अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम बस डेट कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स। देखिए, कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी स्टूडेंट को कोई काम देता हूं, तो सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसको कंट्रोल कमांड दूंगा कि उसको करना क्या है, उसको कैसे करना है। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट उस काम को परफॉर्म करेगा। तो इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल कमांड दी जाती है। मिसाल के तौर पर कंट्रोल कमांड क्या करेगी कि इस डेटा को यहाँ से यहाँ पर मूव करवाना है, इस डेटा को यहाँ से कॉपी करवा कर या कट करवा कर इस एड्रेस पर जो है वो पेस्ट करवा देना है। तो ये क्या होती है, कंट्रोल कमांड कहलाती है। तो कंट्रोल बस क्या करती है कि नहीं, ऐसी कंपोनेंट होती है सिस्टम बस की जो कि आपकी कंट्रोल सिग्नल्स को ले जाने के लिए, मूव करवाने के लिए यूज की जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन्स और वायर्स डेट ट्रांसमिट सिग्नल्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि ये कैसी इलेक्ट्रिकल लाइन्स या वायर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं, कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो आपके हार्डवेयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन पर डेटा को कहाँ पर क्या डेटा सेंड करना है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए कंट्रोल बस का जो है वो यूज किया जाता है। इट कैरी सिग्नल्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंपोनेंट्स ऑन व्हाट एक्शंस टू टेक। ठीक है, अब यहाँ पे यानी ऐसे सिग्नल्स को लेके जाती है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है जो कि वो ये बता रही होती है कि कौन सा एक्शंस उसको किस कंपोनेंट पे परफॉर्म करना है। ठीक है, वेन टू परफॉर्म दोज एक्शंस, कौन से एक्शंस जो है वो कब परफॉर्म करने हैं एंड कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी है, तमाम कंट्रोलिंग जो एक्टिविटीज होती हैं इनको देखने का काम किसका होता है, कंट्रोल बस का होता है। यानी कि डेटा को कहाँ से कहाँ पर मूव करवाना है, किधर लेकर जाना है, कहाँ पर डेटा को स्टॉप करवाना है, कहाँ पर कट करवाना है, कहाँ पेस्ट करवाना है। ठीक है, तो ये तमाम एक्टिविटीज देखने का काम किसका होता है, कंट्रोल बस का होता है। कंट्रोल बस इज यूज टू सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर्स कंट्रोल सिग्नल जो है वो यूज की जाती है सिग्नल्स को सेंड करने के लिए, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है वहां पर, टेलिंग देम व्हेन टू स्टार्ट और स्टॉप अ डेटा ट्रांसफर। यानी कि वो ये बता रही होती है उनको कि कब किस डेटा को स्टार्ट करना है, कब किस डेटा को स्टॉप करना है ट्रांसफर करने के लिए, तमाम काम जो है एक्टिविटीज कंट्रोल बस देख रही होती है। व्हेन द कंट्रोल बस सेंड सिग्नल्स टू द कंप्यूटर्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब क्या कह रहे हैं, देखिए, कंट्रोल बस जब सिग्नल्स ट्रांसफर करती है अरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट पर, तो टेलिंग इट व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन द डेटा बीइंग प्रोसेस। यानी कि वो क्या बता रही होती है कि किस तरह का प्रोसेस जो है उस डेटा पर परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है ये कमांड दे दी जाएगी, एडिशन करवानी है ये कमांड दे दी जाएगी, और सब्ट्रैक्शन करवाना है, डिवाइड करवाना है, ये तमाम काम जो है कंट्रोल करने के, ठीक है, सिग्नल सेंड करने के किसके होते हैं, कंट्रोल बस के ही होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल दी गई है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक आउटपुट डिवाइस कंप्लीट करती है अपनी एक जॉब को, मिसाल के तौर पर एक प्रिंटिंग, एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा रही है, अब उसने अपनी अब जॉब को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो कंट्रोल बस कम्युनिकेट्स दिस इन्फॉर्मेशन टू द माइक्रो प्रोसेसर। अब कंट्रोल बस क्या करेगी, वो माइक्रो प्रोसेसर को ये बताएगी कि भाई ये जो प्रिंटिंग एक करेक्टर करना था आउटपुट डिवाइस ने, ये इसने अपना
अपनी इस जॉब को डन कर लिया है, अब क्या होगा, एंड द माइक्रो प्रोसेसर मे ट्रांसमिट एन अदर करेक्टर टू द आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, जब कंट्रोल बस ने इंफॉर्मेशन दे दी माइक्रो प्रोसेसर को कि ये जो प्रिंटिंग का टास्क था इस आउटपुट डिवाइस ने कंप्लीट कर लिया है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जो सेकंड करेक्टर अगर उसको प्रिंट करवाना है तो उस जॉब को वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको कमांड मिल गई, कंट्रोलिंग कमांड मिल गई कि पहला जो करेक्टर था वो प्रिंट हो चुका है। तो ये जो कमांड दे रही होती है कंट्रोल करने की, ये कौन दे रही होती है, कंट्रोल बस दे रही होती है। ठीक है, मैं ट्रांसमिट अनदर करेक्टर टू द आउटपुट डिवाइस फॉर प्रिंटिंग और मैं टेक सम अदर सूटेबल एक्शन, या अगर कोई और एक्शन परफॉर्म करना है तो वो भी कंट्रोल बस ही तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर रही होती है, जो कि कंट्रोलिंग से रिलेटेड होती है, वो आपकी कंट्रोल बस में आ जाती है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बसेस को डिस्कस किया है कि बसेस क्या होती हैं, पाथवे होती हैं, ऐसा रास्ता होती है जहां से आप डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवा रहे होते हैं। फिर उनकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया, एड्रेस बस क्या होती है, ठीक है, और डेटा बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।